हेलो फैमिली, तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होगे, स्वस्थ होगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका सान्विक ब्लॉग्स में। तो आज है दिन मंगलवार और सुबह के 7 बज रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे अभी आपने देखा कि हमने कपड़े वगैरह धुल लिए थे सुबह। सबसे पहले सोचा था कि कपड़े ही धुलेंगे, क्योंकि फिर धूप आती है और जब तक कपड़े धुलकर फैलाते हैं तब तक धूप चली भी जाती है, हल्की हो जाती है, तो फिर एक दिन में कपड़े नहीं सूख पाते हैं। तो हमने सोचा था, रात में ही सोचा था कि कपड़े सुबह जल्दी धुल लेंगे। तो हमने सबको नाश्ता करा दिया था और खुद नहीं किया था, कपड़े धुले फैलाए। फिर उसके बाद जैसे कि आपने देखा, कॉफ़ी पी रहे थे हम और पति जी को हम पागल नज़र आ रहे थे, तभी वो गाने पे स्टेप कर रहे थे, ये लड़की पागल है पागल है। तो अभी बस चल रही है घर की, जो हमारी डेली रूटीन की जो क्लीनिंग होती है वो। बच्चे बाहर हॉल में हैं, कोई अपना होमवर्क कर रहा है, ये अपने पेपा पिक के साथ खेल रहे हैं। और आज हवा कुछ ठंडी ठंडी सी चल रही है, ऐसा लग रहा है कि कल बारिश हो जाएगी। तो सर्दियां हैं, अब जा रही हैं सर्दियां, तो थोड़ा बहुत तो अपना कहर दिखा के जाएंगी। तो यहाँ हम अपनी साफ़ सफाई में लगे हुए हैं और बच्चे हॉल में खेल रहे हैं, शायद पढ़ाई वगैरह उनकी हो चुकी है। आतंक मचा रखा है हॉल में पूरी तरह से। ये तो सौम्या अभी नहाने के लिए जा रही हैं और आयु नहीं जा रही हैं, आयु पेपा पिक के साथ खेल रही हैं। सौम्या नहाने के लिए गई हैं, अभी जब हम नहाने जाएंगे तो हम आयु को और भैया जी को, दोनों को हम ही नहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे बातों बातों में हमारा जो रूम है वो क्लीन हो गया है और हमने झाड़ू भी कर दिया। तो ये देखिए, एक बार रूम जब अच्छे से क्लीन हो जाता है तो कितना ही सुंदर लगता है। अब ये देखिए आप, यहाँ पे हॉल में किस तरह से आतंक मचा के रखा हुआ है। कुशंस देखिए आप, किस तरह से नीचे पड़े हुए हैं, किस तरह से सोफा के कवर सारे के सारे, ऐसा लग रहा है जैसे कि क्या ही कहें। पर यह है कि करने से पहले, मतलब साफ़ सफाई करने से पहले जितना भी करते हैं हम कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन उसके बाद में एक बार वॉर्न करना होता है कि अभी यहाँ पे अगर कुछ भी दिख गया ना उल्टा सीधा तो समझ लेना। लेकिन फिर भी बच्चे तो बच्चे हैं, कौन मानता है। 2-4 घंटे तक तो ठीक ठीक रहेगा, फिर शाम को फिर से सेम सेम वही यही हालत हो जाती है, तो शाम को भी करना होता है। चलता है, लाइफ है, तो इतना तो अब बनता भी है, वरना बैठे बैठे तो फिर कहते हैं ना कि कहने वाले ने एकदम ठीक कहा है कि हम औरतें ही घर की फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं। हम ही हैं जो ट्राई करती ही रहती हैं, मतलब कि अपने घर को हर दिन एक नए लेवल पे ले जाके ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो अब सिर्फ ट्राई करने से ही कुछ नहीं होता है, थोड़ा बहुत हाथ पैर भी चलाना पड़ता है। इतना बड़ा टैग हमें मिला है घर की फाइनेंस मिनिस्टर का, तो भाई उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। फिजिकल स्ट्रेस भी हो जाता है, मेंटली स्ट्रेस भी हो जाता है बहुत ज़्यादा। ज़िंदगी जीने का नाम होता है, हमें लगे रहना है, हार नहीं मानना है। एक ना एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो फिर कभी। पर बैठ जाने से, हार मान जाने से, उससे तो अच्छा है कि ट्राई करते रहें। क्योंकि जिस तरह से हम अपनी लाइफ जिएंगे उसी तरह से हमारे बच्चे भी सीखेंगे। और हम अपने बच्चों को हमेशा यही सिखाते हैं कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कभी भी लाइफ में पीछे नहीं हटना चाहिए।
तो जैसे कि आप देख सकते हो हम किचन एरिया में आ गए हैं और यहाँ की साफ सफाई में लग गए हैं। गैस साफ कर रहे हैं, तो गैस क्लीन करने का ये बहुत अच्छा आइडिया, ये हमें लगता है कि इसको स्क्रब से फर्स्टली इसको अच्छे से स्क्रब कर देते हैं और उसके बाद में किसी भी पेपर से या फिर माइक्रोफाइबर क्लॉथ जो आता है उससे इसको ऊपर से क्लीन कर देते हैं, तो काफ़ी एकदम से चमक जाती है, नई नई सी लगने लगती है। तो हम ये दो ही ऑप्शन पसंद करते हैं, या फिर स्क्रब से इसको साफ़ करने के बाद पेपर से इसको क्लीन करते हैं, या जो अपना जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ होता है उससे। माइक्रोफाइबर क्लॉथ जो होता है उसमें सारी की सारी डर्ट वगैरह सारी की सारी चिपक जाती है अपने आप से। अदरवाइज़ इसको आप अगर टिश्यू पेपर से या कुछ ऐसे साफ़ करना चाहो तो आई थिंक वो तो वेस्ट होता है। तो यहाँ पे अपने लिविंग रूम की क्लीनिंग स्टार्ट है हो गई है। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये सोफ़े खिसका के हटा के इनको झाड़ू लगा रहे हैं, तो ये मत समझिए कि काफ़ी हैवी है, ये काफ़ी लाइट वेट है, इसलिए इतनी आसानी से इधर से उधर मूव हो जाते हैं। सो इसीलिए हम वीक में टू टू थ्री टाइम इसको इसी तरह से हटा के झाड़ू पोछा कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे हैं घर में और बाहर गार्डनिंग भी है, काफ़ी कुछ ग्रीनरी लगी हुई है, तो डर रहता है थोड़ा सा कोई सांप कीड़ा वगैरह आके बैठ ना जाए, तो इतना तो ध्यान रखना ही पड़ता है। काफ़ी हमारे गार्डन में काफ़ी जो पेड़ पौधे लगे हैं वहाँ पे भी थोड़ा डर सा रहता है, इसलिए इतना तो बहुत ही ज़रूरी होता है। और हमारी आदत भी है कि हम सामान को थोड़ा इधर से उधर करना हमें पसंद है, महीने में इधर से उधर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बेड कहीं इधर से उधर खिसका दिया या सोफ़ा या कुछ ना कुछ चेंजेस करते ही रहते हैं। अच्छा होता है, ये साफ़ सफाई भी अपनी होती रहती है। और हमारे घर के जो बड़े बड़े सामान होते हैं जैसे कि फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई और अपना ये अलमीरा वगैरह हो गई, तो इनके पीछे देखिएगा आप कभी भी, तो 15 से 20 दिन में अगर आप हटा के तो उसके पीछे इतने ही जल्दी जल्दी में ही जाले से हो जाते हैं, छोटी छोटी मकड़ियाँ हो जाती हैं अगर आप ध्यान ना दो तो। इसलिए हमें पसंद है कि हम महीने में इधर से उधर करके उसके पीछे की नीचे की सब जगह की साफ़ सफाई करते रहते हैं, और करना भी चाहिए। तो अभी हम आ गए हैं अपनी बेसिन एरिया में, तो ये तो सुबह के बर्तन हो गए हैं, सुबह नाश्ता और जो बची हुई शाम की रोटी थी उसको भी ऐसे थोड़ा सा उसमें बेसन लगा के उसको एक नए डिश का रूप दिया, 2-3 रोटियां बची हुई थी तो वो भी नाश्ते में यूज़ हो गई, और ब्रेड वगैरह था थोड़ा बहुत, अगर रोटियां वगैरह बच जाती है तो कभी कभी पराठा नहीं बनाते हैं सुबह, या कोई नाश्ता इस तरह से ज़्यादा उस पर एफर्ट लगा के नहीं बनाते हैं, उसको एक नया रूप दे देते हैं और वो हो जाता है, थोड़े बहुत बिस्किट्स नमकीन वगैरह हो जाता है तो नाश्ता हो जाता है। तो अभी देखिए जैसे कि यहाँ पर फटाफट से सिर्फ चाय नाश्ते के ही ये बर्तन थे तो इनको धुल लिया, क्योंकि इवनिंग में भी बर्तन जो हो जाते हैं खाने के वो अगर धुल के रख देते हैं तो सुबह तो काफ़ी हेल्प हो जाती है, वरना अगर कभी कभी ऐसा हो जाए कि थोड़ी हेल्थ इशू हो जाए, थोड़ा ठीक ना लगे या मन ना हो, सर्दी ज़्यादा हो, कभी कभार अगर छूट जाए फिर तो सुबह ही भगवान, इस एरिया में तो बर्तनों का पहाड़ मिलता है जो कि देख के लगता है कि क्या करें। तो इसीलिए कहते हैं कि टाइम टू टाइम अपना करते रहें तो ज़्यादा। ये बेसिन एरिया यहाँ पे इसकी तो साफ़ सफ़ाई क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है, जिस तरह से आप देख रहे हैं हम ऐसे ही करते हैं, इसलिए हमारा ये जो एरिया है काफ़ी साफ़ सुथरा दिखता है। सिंक के साथ साथ हमें अपने टेप जो होते हैं सिंक के ऊपर उनका भी बहुत अच्छे से क्लीनिंग का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे किचन को नीट एंड क्लीन दिखाने के लिए। और इसके पीछे की जो वॉल है इसको भी अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए, सुबह के टाइम में इसकी अच्छे से क्लीनिंग कर देते हैं, बाकी जब थोड़े थोड़े बर्तन जभी जभी धुलते हैं तो इसकी थोड़े थोड़े ऐसे ही हाथ से ऐसे इसको साफ़ करते रहते हैं, ताकि इसमें किसी प्रकार के कोई स्टेन ना हो, वरना पानी के जो स्टेन लगते हैं ना वो बड़ी मुश्किल से साफ होते हैं और बड़े गंदे दिखते हैं। तो ये यहाँ पे हमने पोछे के लिए पानी ले लिया और इसमें ये जो फ्लोर लिक्विड ऐड किया है वो काफ़ी अच्छा होता है, उसकी सिर्फ 2 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में ऐड करके जब भी पोछा मार देते हैं ना पूरे हॉल में, और उसको जस्ट 15 मिनट के लिए हॉल को पूरी तरह से लॉक कर देते हैं, खिड़की दरवाजे सारे बंद कर देते हैं,
तो मान लीजिए आप पूरा एक वीक के लिए ना आई, तो आपके हॉल में, आपके लिविंग रूम में कोई भी मक्खी, कोई मच्छर, कोई छिपकली वगैरह कुछ नहीं दिख सकती है। पूरा इसका जो असर होता है वो पूरा एक वीक के लिए रहता है। बहुत ही अच्छा ये लिक्विड होता है। हाँ, थोड़ा सा हार्ड होता है, इसलिए जब भी किसी के घर में बहुत ही छोटे से जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं वो हो, तो वो लोग इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। तो यहाँ पे पोछा लगा रहे हैं। पोछा एक दिन छोड़ के ही लगाते हैं हम, सर्दियों में डेली डेली नहीं लगाते हैं। आज मौसम थोड़ा साफ है, बस हवाएं ठंडी ठंडी सी चल रही हैं, तो सोचा पोछा लगा देते हैं। वैसे ये लगातार हो गया, मंडे को तो हम ज़रूर ही लगाते हैं, पोछा ज़रूर से लगाते हैं, क्योंकि व्रत होता है, पूजा पाठ होती है, तो और लिविंग रूम में ही हमारा मंदिर है, और अदरवाइज़ एक दिन छोड़ के ही लगाते हैं। बट आज लग गया, ट्यूसडे है, अच्छी बात है। बच्चे खेलते हैं तो थोड़ी क्लीनिंग का ध्यान भी रखना होता है, क्योंकि बच्चे हैं, वो ज़मीन पे कब लौटते हैं, कब वो ज़मीन पे देखेंगे। तो दोस्तों, अभी हो चुकी है शाम, शाम के 4 बज रहे हैं, और जो हमारे कपड़े फैले हुए थे वो आधे से ज़्यादा सूख गए हैं। कुछ कपड़े थे जो रह गए हैं, नहीं सूखे हैं, तो उन्हें उस तरफ से उठा के खिड़की की तरफ जो अरगनी बांध रखी है उसमें हैंग कर देंगे, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये छज्जे के नीचे आ जाता है, तो रात में यहाँ पड़े भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज ऐसा लग रहा है कि बारिश हो जाएगी कल तक, और ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही थी। तो जो कम्प्लीटली जो कपड़े सूख गए थे वो तो उठा लिए, अदरवाइज़ जो भीगे भीगे से अभी भी थोड़े थोड़े रह गए उन्हें इस तरफ को फैला दिया है, ताकि वो सूख जाएं कल तक हवा से, अगर बारिश हुई भी तो वो नहीं भीगेंगे। तो गाइस, जैसे आपके घर का काम काज भी बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, तो उसको आप अपने हिसाब से मैनेज करिए। आप बहुत ही इजीली अपने घर के वर्क टाइम को कम कर सकते हो, अगर आप अपने घर को ऑर्गेनाइज करके चलते हो। देखिए, अगर प्लानिंग के साथ आप घर का काम करते हो, तो वैसे ही आपका घर जो है वो साफ़ सुथरा रहेगा, तो अल्टीमेटली आपका काफ़ी सारा टाइम बचेगा, जिससे कि आप अपने लिए, जैसे कि आपकी कोई भी बुक पढ़ना पसंद हो, या आपको अपने फेस की कोई केयर करनी है, हेयर केयर करनी है, या घर के लिए कोई DIY बनाना है, कुछ भी कर सकते हो उस बचे हुए टाइम से, या बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, उन्हें कोई नई चीज़ सिखाने में टाइम स्पेंड कर सकते हो, या उनकी पढ़ाई के लिए। अब पढ़ाई का तो ऐसा उनको रोज़ का ही, वो तो एक अलग से रूटीन हो जाता है, कुछ नई चीज़ें आप उस बचे हुए टाइम के लिए टाइम से आप कर सकते हो। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हो, यहाँ पे हम कपड़े सूखे सूखे सारे हमने कपड़े उठा लिए हैं, और सबको तुरंत के तुरंत फोल्ड करके वहीं के वहीं सेट कर देते हैं, फिर उससे दिक्कत नहीं होती है। सारे के सब सभी के कपड़े उनकी जगह पे मिल जाते हैं। अब जैसे कि कोई हमारा घर अच्छे से ऑर्गेनाइज है, तो हमें कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो चीज़ वहीं के वहीं जहाँ हमने रखी होगी एज इट इज़ वहीं के वहीं मिल जाएगी। तो बस इसी तरह से हम अपने घर को ऑर्गेनाइज करके चलते हैं, और काम आसान हो जाते हैं, जिससे कि हमारी लाइफ भी काफ़ी आसान हो जाती है। और अगर लाइफ आसान होती है तो मन खुश रहता है, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए, हमारे घर में 5 मेंबर्स हैं और 5 टॉवल्स हैं, सबकी अलग अलग टॉवल्स हैं, कोई किसी की टॉवल्स यूज़ नहीं करता है, सबको अलग अलग टॉवल चाहिए। अच्छी बात भी है कि एक दूसरे की टॉवल यूज़ नहीं करनी चाहिए। 5 मेंबर्स हैं, 5 टॉवल, हमारे बच्चे भी हैं ना, वो इतने स्मार्ट हैं कि उन्हें भी पसंद नहीं है कि उनकी टॉवल कोई और यूज़ करे, आपस में झगड़ा हो जाता है, इसीलिए गर्ल्स की पिंक और बॉयज़ की ब्लू ये सिस्टम रहता है। तो जो ब्लू थी वो भी उनका भी कलर चला गया, वो भी वाइट वाइट लग रही है, और पिंक थी वो भी लाइट हो चुकी है। तो अभी जिस जिसके कपड़े सबके अलग अलग ड्रॉर्स में लगा देंगे। तो हाय दोस्तों, हर हर महादेव। जैसे कि आप सब देख रहे हैं हम लोगों को, और फिसले हुए हैं आप लोगों का प्यार भी खूब मिल रहा है। बस आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि आगे भी हम लोगों को ढेर सारा प्यार, और हम लोग आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो भी ला सकें। और जैसे कि आज मैं आया,
तो हमने देखा कि हमारी मैडम जी लेटी हुई थी, तो बच्चों ने बताया है कि माँ को चक्कर आ गए थे। तो इन्हें जितना मना करते हैं कि थोड़ा आराम भी किया करो, पर मानती नहीं है, घर का काम करेंगी, फिर उसके बाद अपना सिलाई वगैरह काम लेके बैठ जाती हैं, और इनकी आंखों में थोड़ा दिक्कत भी है। और मैंने इनसे कहा भी कि सिलाई वगैरह काम मत किया करो, जो भी काम है बाहर से करवा लिया, पर मानती नहीं है। अपनी अच्छी लगती है, बाहर की अच्छी लगती है। पर आंखें आंखें बाहर की थोड़ी मिल जाएंगी आपको है, आंखों में दिक्कत है इनके, जब सिलाई लायक काम करती हैं तो इनकी आंखों में प्रॉब्लम होने लगती है, तो मानती नहीं है। और भी मेहनत, बहुत मेहनत करती हैं, उसके बाद घर का भी काम देखना होता है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई हर तरीके से, तो आज इनका स्वास्थ्य गड़बड़ा गया है। पर आप ही लोग से जी कहता हूँ कि अपना ध्यान रखेंगे, और सर्दी भी है, मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, हो सकता है बारिश हो जाए कल, पर हवा बहुत तेज़ चल रही है। अभी मैं ड्यूटी से आया हूँ तो मैंने देखा कि ये लेटी हुई थी, हमने वाह इनने अपना स्वास्थ्य ठीक कर लिया लगता है, समझाने से मानती नहीं है, बहुत जिद्दी, जिद्दी तो बहुत ही बड़ी, और इनकी ही जिद पे एक वो छोटी वाली जो हमारी डॉल है वो भी बहुत जिद्दी है, उसने अगर ठान लिया कि मुझे ये ले चीज लेनी है तो उसे लेनी है, ये समझिए, जैसे कि ये भी यही बहुत जिद्दी है, मना करते हैं नहीं मानती है, अपना कुछ ना कुछ, कुछ ना मतलब बैठना तो बिल्कुल है ही नहीं कि डिक्शनरी में, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ करती रहेंगी, होम डेकोरेशन कुछ ना कुछ बनाती रहेंगी, सिलाई कढ़ाई कुछ ना कुछ करती रहेंगी, तो आज थक के लेट जी। गई हैं, आज कुछ ज़्यादा थक गई हैं, तो चक्कर आने की वजह से ये लेट गई हैं, मैं बहुत उतरा हुआ लग रहा है इनका। तो आगे भी दोस्तों आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही हमारे ब्लॉग को सपोर्ट करते रहिए कि आगे अच्छे अच्छे आपको ब्लॉग हम लोग देख सकें चक्कर आ जाए भले। पर चक्कर आ जाए। ओके दोस्तों, बाय। जय आ गई, ये मेरी छोटी सी संध्या है, ये है दुनिया संध्या, ये आ गए हैं छोटू उस्ताद सक्षम सिंह। चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं तक है, आगे फिर मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग के साथ आप लोगों से, और बाय। हर हर महादेव। शाम के 7 बज रहे हैं फ्रेंड्स, तो हमने सोचा पूजा कर लेते हैं। तबीयत ठीक ही है, हल्का सा चक्कर आ गया था बस, तो बच्चों ने बता दिया। वैसे हम बताना बताने के लिए सोच भी नहीं रहे थे कि बताएंगे, पर बच्चों ने बता दिया क्योंकि डांट पड़ जाती है थोड़ी बहुत। तो बस दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।